हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज होने वाला है एक कंसीलर का रिव्यू, क्योंकि कंसीलर जो होता है वो हमारे मेकअप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि जो भी हमारे फेस पे दाग धब्बे होते हैं या डार्क सर्कल्स होते हैं, उनको ये हाइड करने में हेल्प करता है और पिंपल एक्ने के स्कार्स को भी वो हाइड करता है और स्किन को इवन टोन बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो कंसीलर होता है वो हमारे स्किन शेड से एक या दो शेड लाइटर होता है, जिससे हमारा फेस हाईलाइट भी करता है। तो चलिए अब इस कंसीलर का रिव्यू देखते हैं, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो ये जो कंसीलर स्टिक है एक कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है, जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे आपको मेंशन करके दिखा दूंगी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, जिस पे सेम टू सेम यही लिखा है, मियोन ऑयल कंट्रोल कंसीलर बेस स्टिक SPF 15, और नीचे की साइड लिखा है बैलेंस स्किन टोन, नरिश एंड मॉइस्चराइज, सॉफ्ट एंड लास्टिंग इफेक्ट। और इसके बैक साइड में भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, बैलेंस स्किन टोन कंसील इन परफेक्शन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। और ये SPF 15 के साथ आता है, एंड साइड में इसके लिखा है नेट वेट जो 10 ग्राम है, और इसे हम 24 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं ओपन करने के बाद। और वार्निंग भी आपको दिख रही होगी कि मेंशन है, स्टॉप यूजिंग इफ़ स्किन इरिटेशन अपीयर्स। और ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन PRC है, और साइड में लिखा है मियोन ऑयल कंट्रोल बेस स्टिक, और फिर उसके बारे में कुछ बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। और उसी में नीचे इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन है, और उसमें मुझे पैराबेन दिख रहा है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और उसके नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखा है, जिसे हम 4 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो MRP है वो 249 रुपीज़ है, लेकिन ये आपको लोकल मार्केट में 200 के राउंड ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपको देखना है तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ये अब इस प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसकी आउटर पैकेजिंग जो है ये सिल्वर कलर की है, मेटैलिक है, और सी प्रोडक्ट अच्छे से लॉक हो जाता है। यहाँ पे लिख रहा है मियोन ऑयल कंट्रोल कंसीलर बेस स्टिक SPF 15, और नेट जो है ये 10 ग्राम की है, और बाकी कुछ नहीं है। नीचे की साइड इसका शेड नंबर मेंशन है, नियॉन ऑयल कंट्रोल कंसीलर बेस स्टिक 03 इसका शेड है। ये जो स्टिक है ये 4 शेड्स में अवेलेबल है, लेकिन हर जगह आपको सिर्फ यही शेड देखने को मिलेगा जो कि 03। इसके बाद मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। सी जैसे लिपस्टिक होती है सेम वैसे ही है इसका, ये मेटैलिक है, और आप देख सकते हैं इसे यूज कर रखा है मैंने, और इतना ही बचा है ये। बाकी इसकी जो कलर आपको दिख ही रहा होगा, ये जो है सी बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का है, और कवरेज भी इसका अच्छा है। काफी थिक भी है ये, और इजिली ब्लेंड भी हो जाएगा, और कवरेज भी अच्छा देता है। आप देख सकते हैं सिर्फ कितनी ही पार्ट पे लगाया, बिल्कुल इवन टोन स्किन इसने मेरी कर दी है। सो आपने इसका कवरेज देख ही लिया है कि कवरेज इसका अच्छा है, बट ये आपके डार्क स्पॉट को हाइड नहीं करेगा। यानी ये जो है एक मीडियम कवरेज देता है, लेकिन अगर आप इसे बिल्टअप करेंगे तो ये एक हाई कवरेज देगा। और बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही लाइट वेट है ये, और इसमें SPF 15 है, विच इज़ गुड थिंग। बट फिर भी आप SPF लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि SPF 15 जो है वो इनफ नहीं है। नेक्स्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑयली स्किन वालों के लिए रिकमेंडेड किया गया है, क्योंकि ये जो है ऑयल कंट्रोल स्टिक है। और ये जो प्रोडक्ट है आपको 2 साइज़ में अवेलेबल मिल जाएगा। मेरे पास जो है वो 10 ग्राम वाली क्वांटिटी है, और प्लस इसकी जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वो 30 ग्राम में आती है। ये जो है 10 ग्राम वाली, इसकी जो MRP है 249 रुपीज़ है, लेकिन ये आपको ईजिली डिस्काउंट के बाद 200 राउंड में मिल जाएगा। और जो 30 ग्राम की क्वान्टिटी आती है उसकी जो MRP होती है वो 399 रुपीज़ है। तो अफोर्डेबल देखा जाए तो ये 30 ग्राम वाली क्वांटिटी होती है, लेकिन पहले आप
10 ग्राम वाली क्वांटिटी लेके देख लें और अगर आपको अच्छा लगे, सूट करे, तब आप 30 ग्राम वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ही गल जाएगा। तो इस सीज़न में आप इसे फ्रिज में ही रखिए, बाहर मत रखिए, कहीं गल वल गया। या फ्रिज में भी रखने से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो बरकरार रहती है और उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट अच्छा वर्क भी करता है। नेक्स्ट बात करो तो ये जो प्रोडक्ट है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी ईजिली मिल जाएगा। और जैसे कि आप इसके आउटर पैकेजिंग देख सकते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है, यानी ट्रेवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और अगर ये नीचे गिर भी जाता है तो भी इसमें जो हमारी स्टिक है वो सेफ़ रहेगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं इस प्रोडक्ट को दोबारा लेना चाहूँगी, तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो है 200 रुपीज़। और इसी प्राइस रेंज में हमें ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे और ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि NYBA बहुत ही अफोर्डेबल, और कंसीलर जो उसके होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जब हमें वो इतना अच्छा ब्रांडेड मिल रहा है तो मैं ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना क्यों लूँ। और जो इसकी स्टेइंग पावर है वो 3 to 4 hours से ज़्यादा होगी या नहीं होगी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने कभी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया ही नहीं है। और आई होप मैंने इसमें हर एक टॉपिक कवर किया होगा, और फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।